हेलो गाइस, वेलकम टू अगेन एसआर विद्यालय। और हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके, और ये है हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट टू। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे एक अर्थ के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि आखिर हमारी इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इंडिया की ज्योग्राफिकली लोकेशन क्या है। तो प्लीज़ ये वाली वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। डायग्राम बड़ा है इसलिए बनाया, समझ आ जाएगा। देखो, रफ डायग्राम है, पर आपको बात ये समझनी है कि जैसे मैंने बताई कि लंबी लाइन होती है, बेसिक से बताती हूँ, लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसे याद कर सकते हैं, लेटिव लाइन क्या है, लैटिट्यूडनल लाइन। ठीक है जी। अब ये जो 0 डिग्री है उस पर हमारा इक्वेटर हो गया, राइट। और ये जो 0 डिग्री लंबी वाली है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कहा था ना आपको कि जो इंडिया की लोकेशन है, मैंने वहां पे लिखा नहीं, पार्ट वन देखा होगा तो जरूर पता होगा कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ से स्टार्ट होती है ना जी। यही बताया था ना, क्या बताया था मैंने, बताओ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से स्टार्ट होती है और खत्म कहां होती है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे। बिल्कुल ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको दिख रहा होगा। तो अब ये जो 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में जो लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में कि ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट को कट करती है, ट्रिक के साथ बताऊंगी भी मैं नेक्स्ट। और ये जो 23.5 डिग्री साउथ दिख रहा है आपको नीचे, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो ये रास्ता तय होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल टोरॉइड। तो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसे हम कहते हैं। और जो लैटिट्यूडनल लाइन 23.5 डिग्री साउथ में है, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। इन दोनों के बीच का वो जो पीरियड है वो है हमारा ट्रॉपिकल टोरॉइड। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं लंदन की क्यों बात कर रही हूं, क्योंकि लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जैसे जिसकी वजह से हम टाइम लाइन अपनी पता करते हैं। तो ये प्राइम मेरिडियन एक टाइम लाइन है, टाइम किससे पता चलता है, यही होता है। हम लोगों का टाइमलाइन जो है वो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब वो कैसे, उसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है कि हम 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में इस तहत अर्थ के तहत 4 मिनट होते हैं। और अतः अगर हम 15 मिनट की बात करें तो 60 मिनट हो गए कुल। और अब आप कैलकुलेशन करो बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो 82.5 डिग्री पे हमारा पड़ता है 5 आवर 30 मिनट्स, राइट। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम उसे लेते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट को हम लेते हैं अपना स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जिसकी बेसिस पर हमें टाइम पीरियड पता चलता है। आई होप अगर आपने यहाँ तक हुई, मेरी 3 मिनट तक मैंने जो भी बातें की हैं ध्यान से सुनी हो, तो एक ही बारे में दिमाग में फिटम फाइन हो गई हो। अगर फिटम फाइन हो गई है तो हम फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही बात करते हैं। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड यस, डू लाइक द वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड देन ओनली, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल SR विद्यालय। Bye.